लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पीरटाण प्रखंड अंतर्गत हरलाडी चौक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष और इनके साथ इस पंचायत के अलग अलग गांव के कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर आइए इनकी बातचीत करते हैं। गिरिडीह सीट पर मथुरा प्रसाद महतो की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है? आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ प्रतीत हो रहा है, जयराम महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और आपके जो मथुरा महतो इनके बीच, तो क्या लगता है मथुरा महतो की स्थिति आपके अनुसार कैसी है? मथुरा महतो तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और तीन बार से कार्यकाल में रहे हैं और वह टुंडी से ऐसा प्रतीत होता है कि टुंडी में बहुत अच्छा उनका काम काज जो है, विकास की जो धाराएं हैं बहुत अच्छी उतारे हैं और लोग पसंद करते हैं। यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे चंद्र प्रकाश चौधरी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी अगला इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है और यहाँ से उनको अच्छी वोट मिली थी, चंद्र प्रकाश चौधरी को मिला है अगली बार, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी शायद गुम हो गए हैं, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी है कि नहीं है। अभी तक तो 5 साल के दरमियान में कभी पीटाण को देखा नहीं हो। क्षेत्र में युवाओं के बीच अगर देखा जाए तो जयराम महतो का एक क्रेज देखने को मिल रहा है, क्या मथुरा महतो जो है वो जयराम महतो के इस क्रेज को कम कर पाएंगे? ठीक है, जयराम महतो जहाँ तक हैं वो युवा नेता जरूर हैं और झारखंड के मुद्दे के विषय पर आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन फिलहाल उतना बड़ा मजबूती स्थिति नहीं बना पाए हैं, इसलिए हमको उम्मीद है कि मथुरा प्रसाद महतो से लीड। क्षेत्र में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आपके अनुसार कौन कौन सी हैं? क्षेत्र में बहुत सारे प्रमुख काम है, खास करके हम शिक्षा का जो ये है, शिक्षा का नीति ढुलमुल है, यहाँ शिक्षक नहीं है बढ़िया ढंग से, इसलिए शिक्षा मेन है। शिक्षा होने से सारा कुछ ऐसी विकास तो होगा ही और लगता है कि जिस तरह से यहाँ झारखंड पीरटाण में इस बार नया विधायक सुदीप कुमार सोनू आने के बाद विकास में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। मथुरा प्रसाद महतो चुनाव जीतने की स्थिति में है या नहीं? 100% इसमें कोई शक नहीं है कि मथुरा प्रसाद महतो चुनाव नहीं जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष जुड़े थे जो कि मथुरा प्रसाद महतो के समर्थक हैं और इनके अनुसार मथुरा प्रसाद महतो की स्थिति पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत ही अच्छी है। पूर्व जो यहाँ के सांसद रहे उनका कार्यकाल लोगों को पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा और वो लोगों के बीच दिखे तक नहीं और जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, और प्रत्याशी जो सबके फेवरेट और पसंदीदा बनकर सामने आ रहे हैं वो मथुरा प्रसाद महतो, जिनके जीत की दावेदारी इन्होंने भी की है। धन्यवाद।